मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी लोग इस गड्ढे भरी सड़क पर चल रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा देर शाम मथुरा पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने गोवर्धन इलाके के एक विद्युत स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मध्य रात्रि में मथुरा वृंदावन में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। शहर के हृदय स्थल होली गेट पर अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर विकास कार्यों में तीव्रता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता है। यमुना में बह रहे गंदे नाले को टेप करने का काम किया जा रहा है और 31 मार्च तक सभी गंदे नाले टेप कर दिए जाएंगे। विकास कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कि मथुरा वृंदावन के अंदर जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको और तेज़ गति मिले और अपना मथुरा वृंदावन, अपना प्रदेश जिस तरह से अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, उसमें रात को भी सघन पेट्रोलिंग हो रही है, दिन में भी पेट्रोलिंग हो रही है, बैरिकेडिंग भी ठीक से हो रही है, बस रात्रि निरीक्षण मेरा रहता है तो उसी में मथुरा वृंदावन का निरीक्षण, सफाई का, सुरक्षा का, विकास कार्यों का। बिजनौर